بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाब में गुफ्तगू चल रही है और इससे पहले काबतुल्लाह का, मक्का मुकर्रमा का, बैतिय लित्ताइफीन के ज़ैल में बैतुल्लाह का तस्किरा आया तो अब किसी क़दर हक तआला शानुहू हज़रत इब्राहीम का और इस्माईल का बानी काबा होना बयान फरमाते हैं। चुनांचे इज से पहले अगर उज़्कुर मुकद्दर आए तो कई दफ़ा बात आ चुकी है कि इज के ज़र्फिया होने को बतलाने के लिए आता है। याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे। अल-क़वाइद अय अलउसस अविल जुदुर यानी असास की जमा है उसस, बुनियादों को उठा रहे थे या उसकी दीवारों को उठा रहे थे। तूफ़ान नूह में जो बह गई थी, मुनहदिम हो गई थी, उन बुनियादों और दीवारों को हज़रत इब्राहीम उठा रहे थे। नफ्से काबा की बुनियाद तो मलाइका अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। हज़रत मलाइका अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से इसको बनाया था लेकिन तूफ़ान नूह के ज़माने में ये बह गया था। उसके पत्थर और उसकी दीवारें शिकस्ता व मुनहदिम हो गई थीं। अब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल दोनों मिलकर उसकी बुनियादों को उठा रहे हैं। मिनल बैती यबनी ही यानी उसको बना रहे थे, उसको खड़ा कर रहे थे। मिनल बैती जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिकुन बी यरफ़ाऊ यानी यरफ़ाऊ मिनल बैती, ये उठा रहे थे बैतुल्लाह को यानी उसकी दीवारों को। और इस्माईल भी अत्फुन अला इब्राहीम, इस्माईलु ये अत्फ है इब्राहीम पर। यकूलानी दरा हले के दोनों कह रहे थे, ये यकूलानी मुकद्दर माना, वजह मुकद्दर ये है कि ये जुमला हाल बन जाए इब्राहीम व इस्माईल से, इसलिए कि जुमले इंशाइया हाल नहीं बनता है जब तक कि तकदीर इबारत न निकाली जाए। और मुजारे से ताबीर किया यरफ़ाऊ को इस्तेहज़ार के लिए, हाल माजिया के इस्तेहज़ार के लिए, उसकी अज़मत शान के पेश नज़र। जब कोई चीज़ बहुत अजीम शान होती है या बहुत ज़्यादा कबीह होती है और उसकी कबाहत व शनाअत को, उसकी अज़मत को हाज़िरीन के दिमागों में अभी भी मुतसव्वर करना मकसूद हो और उसकी अज़मत को बतलाना मकसूद हो तो बावजूद माजी के उसको मुजारे से ताबीर कर दिया जाता है। इसलिए रफ़ा के बजाय यरफ़ाऊ फरमाया। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यकूलानी इसलिए मुकद्दर माना कि आगे रब्बना तकब्बल मिन्ना जुमले इंशाइया है और जुमले इंशाइया हाल नहीं बनता। अब जब यकूलानी को मुकद्दर मान लिया तो यकूलानी तो जुमले खबरिया है, चुनांचे हाल होने की तरफ इशारा करने के लिए इस इबारत को मुकद्दर माना गया। तो इब्राहीम व इस्माईल काबतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, दरा हाले के वो कह रहे थे, दुआ कर रहे थे, ये हमारे रब हमारी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। तकब्बल मिन्ना उसका मफूल भी आया, अई बिना अना तकब्बल का मफ़ूल बिही है और मफ़ूल बिही के ज़िक्र को यहाँ हस्फ कर दिया गया है।
रब्बना तकब्बल मिन्ना, हमारी तरफ से कबूल फरमा लीजिए, बिना अना। लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं जैसे शेखुल इस्लाम अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, के तकब्बल के मफ़ऊल बिही को हज़्फ़ करके दुआ में अमूमियत बतलाना मकसूद है कि हमारी दीगर जो क़ुरब और ताअतें हों, जिनमें से एक अभी है यानी बिनाए काबा, उन सब को आप कबूल फरमा लीजिए। बेशक आप सुनने वाले हैं, लिल क़ौली ऐ लि दुआइना, हमारी दुआ को, अल अलीमु बिल फ़िअली ऐ बिनियातिना, और आप हमारे इस काम को, बिनाए काबा को, उसके अंदर मुजमर नियतों को आप जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है। इसको सूरे हज में भी ज़िक्र किया गया है, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अज़्ज़िन फ़िन्नास व इज़ बव्वअना लि इब्राहीम मकान अल्बैत अल्ला तुशरिक बी शैआ व तहिर बैती लित्तौइफीन वल क़ाइमीन वल रुक्अ अस्सुजूद व अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق। उसको भी ज़रा इस वक्त हमारे तलबा जहन में रखें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत السميع للقول العليم بالفعل। बहुत ज़बरदस्त नुक्ता उलमाए किराम ने लिखा है कि तकब्बल मिन्ना फरमा रहे हैं, कबूल नहीं फरमा रहे हैं, कि रब्बना इकबल मिन्ना। कबूल और तकब्बुल के दरमियान फ़र्क है। जो चीज़ लायक पज़ीराई हो वहाँ तो कबूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और जो नाक़िस हो, दरख्वास्त की जाती हो कि हमारी चीज़ में तो नक्स है, आप अज़राहे शफ़क़त और रहमत, लुत्फ़ और इनायत, उसे कबूल फरमा लीजिए, तो वहाँ तकब्बुल आता है। यहाँ तकब्बुल ग़ायत इज्ज़ पर दलालत करता है कि हमारा ये काम, हमें इसका एहसास है कि ये इस लायक तो नहीं है कि आपकी खिदमत में कबूल किया जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए, लेकिन आपका लुत्फ़ और मेहरबानी होगी, आप बतकल्लुफ़ ही सही, लेकिन इसे कबूल फरमा लें। वरना हम इतना तो कह सकते हैं, हमारी नीयत, हमारी ये दुआ, ये इखलास पर है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका, ये हमारे रब हम दोनों को मुस्लिमैनि, तो मुस्लिम तो थे, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु, यहाँ मुस्लिमैनि भी माना मुनक़ादैनि लका, सबात नसीब फरमाना, इस्तिक़ामत नसीब फरमाना। अगर मुस्लिम न होते तो काबा क्यों बनाते, और मुस्लिम न होते तो ये अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह की निस्बत पर कैसे जाते। इसलिए हम ये दुआ का मतलब निकालेंगे, सबात कदमी की दुआ की जा रही, ये हमारे रब हम दोनों को मुनक़ादई निलका, तेरा फरमाबरदार बना दे। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमत अल्लक, ये मिन ज़ुर्रियतिना जार मजरूर मिलकर मुतालिक है इजाल का, और हमारी ज़ुर्रियत में से एक जमात ऐसी पैदा फरमा जो तेरे अहकाम के सामने सरापा तस्लीम हो, मुसलमान हो। यहीं देखो, उम्मत का नाम यानी इस उम्मत का नाम जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होने का शरफ़ अल्लाह ने हमें इनायत फरमाया है, उसका नाम हज़रत इब्राहीम ने काबतुल्लाह की छत्र छाया और उसकी साया में मुसलमान रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो हमारी ज़ुर्रियत में से ऐ औलादीना उम्मतन जमाअतन मुस्लिमतल्लक। वमिन ज़ुर्रियतिना में मिन क्यों आया, मिन लाने की क्या ज़रूरत, जवाब दिया वमिन लितबईज़ी व उतिय बिही यानी उतिय बि मिन लितकद्दुम क़ौलिही तआला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, या अता इब्राहीमु बि मिन लितकद्दुम क़ौलिही, जिसमें इशारा पाया गया था आगे जो कौल आया था ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन में, कि तुम्हारी बाज़ ज़ुर्रियत काफिर होगी, पूरी की पूरी ज़ुर्रियत इमामत के लायक नहीं होगी। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल्लक, हमारी ज़ुर्रियत में से एक उम्मत को,
एक जमात को पैदा फरमा जो तेरे अहकाम के सामने तस्लीम करने वाली हो, और वह अरीना मनासिकाना हमें हमारे हज के तरीक़े सिखा या हमारी इबादतों के तरीक़े सिखा, इसलिए कि मुस्लिमतन जब होंगे तो फिर इस्लाम के लिए इबादत होगी, और इबादत के तरीक़े जानना ज़रूरी है। पता चला कि सिर्फ इबादत ही इबादत मकसूद नहीं है, इबादत अला नहजिन नबुव्वत हो, इबादत अला नहजिश शरीयत हो। इसीलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है मसाइल का इल्म ज़रूरी है, फ़ज़ाइल अगर नहीं भी जानते तो काम चलेगा, इसलिए कि तस्हीहे इबादात इल्मुल मसाइल पर मौकूफ़ है, इल्मुल फ़ज़ाइल पर नहीं। इस टुकड़े से भी पता चलता है कि इल्म कितना अहम है, फ़िक्ह का इल्म, तालीमात इस्लामिया, इबादात की अदायगी का तरीक़ा सीखना कितना ज़रूरी है। वह अरीना मनासिकना, अरीना भी माना अल्लिमना, हमें हमारे मनासिक सिखा दे, दिखा दे। मनसक के दोनों माने होते हैं, इन सलाती व नुसुकी, क़ुरबानी का तरीक़ा या हमारे हज का तरीक़ा, या उमूम पर ले लिया जाए शराइअ इबादतीना, या उमूम पर है मुतलकन हमारी जुमला इबादतों के तरीक़े। औ हज्जिना यानी शराइअ हज्जिना, हमारे हज के तरीक़े तो हमें सिखा दे ख़ास तौर पर। तो मनासिक मनसक की और मनसिक दोनों की जमाती है, ताबुद के माने में आता है नसक, कि हम जहाँ भी इबादत करें इबादत के तरीक़े हमें बतला दे। बिलखसूस ये काबतुल्ला है, यहाँ लोग हज करने आएंगे, हमें भी इसका किस तरह तकद्दस, अदब व एहतराम, और यहाँ किस अंदाज में इबादत करनी चाहिए, बिलखसूस वो इबादत जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी जगह से मुतालिक है जिसका नाम हज उमरा है, उसके तरीक़े हमें सिखा दीजिए। वतुब अलैना, और अगर उन तरीक़ों की अदायगी में कुछ कोताही हो जाए तो पेशगी हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। इन्नका अंत अत्तवाबुर रहीम, बेशक आप बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। बाज़ उलमाए मारिफत ने बड़ी पते की बात यहाँ लिखी है कि वह अरीना से ताबीर फरमाया, जबकि वह अल्लिमना के माने में है, सिखाने को इराअत से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया कि इस्लामी शराइअ का ताल्लुक प्रैक्टिकल से है, सिर्फ सुतूर पर पढ़ लेने से काफ़ी नहीं होता, उसके लिए कोई कुदवा और नमूना होना चाहिए। सल्लू कमा रअईतुमूनी उसल्ली, ये करके बताया जाता है, इराअत की जाती है, सिर्फ बोलकर उसकी तालीम नहीं दी जाती। तो अगर ये सवाल हो कि तालीम को इराअत से ताबीर क्यों किया, तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। बाज़ लोगों ने ये बात भी लिखी है कि ऐ बशिरना, हमें दिखा दीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा इमाम बनाकर भेजा, और उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़कर दिखलाई, न कि सिर्फ सिखलाई, सिखलाई भी दिखलाई भी, और हुजूर ने भी करके बताया। बल्कि बाज़ मौक़ों पर तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते थे, उसी पर क़याम करते थे, सिर्फ सजदा करने के लिए मिंबर से नीचे उतरते थे और वहाँ फरमाते थे इन्नमा फ़अलतु हाज़ा लितअतम्मू बी व लितअल्लमू सलाती। इसी तरीक़े से एक सहाबी नमाज के अवकात पूछने के लिए, सीखने के लिए तशरीफ़ लाए थे, हुजूर ने फरमाया था अकीम माना यौमैन। और वज़ू की रिवायात में भी हम देखते हैं सहाबा ने कर कर के बताया, हज़रत मिक़दाद इबन अस्वद, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला इबन आमर इबन आस, हज़रत मुग़ीरा इबन शोबा, हज़रत हुज़ैफ़ा, और इसी तरीक़े से रुबैया बिन्त मुआवज़ इबन अफ़रा रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इन सब की मसानीद को इमाम अबू दाऊद रदी अल्लाहु ताला अन्हु वज़ू के बाब में लाए हैं कि उन्होंने बाकायदा वज़ू करके बताया, सिर्फ कह के नहीं बताया, करके। तो
यहाँ दोनों तकरीरें की जाएंगी कि यहाँ अल्लिमना अरीना बिमाना अल्लिमना ये रुयत इल्म के कबील से है, जैसे अलम तर कैफ फअल रब्बुका या अलम तर रब्बुका, हाँ कैफ मद्दज़िल अलम तर तुमने देखा नहीं, यानी क्या तुमने जाना नहीं, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो अरीना रुयत से है इबसार के माने में या तारीफ के माने में या तालीम के माने में, ख़ास नुक्ते की तरफ मैंने आपको इशारा कर दिया। अब एक सवाल ये पैदा हो रहा था कि इब्राहिम और इस्माइल दोनों तो नबी हैं, ये दोनों तौबा क्यों कर रहे हैं? जवाब दिया सअला ऐ इब्राहिम व इस्माइल हु ऐ अल्लाह अत्तौबत मा इस्मतिहिमा तवाज़ुअन व तालीमन लिज़ुर्रियतिहिमा। इब्राहिम व इस्माइल अलैहिमस्सलातु वस्सलाम ने हक तआला शानहू से बावजूद अपने मासूम होने के तौबा की दरख्वास्त की, माफ़ी हासिल करने की दरख्वास्त की, ये अज़राहे तवाज़ु था। तौबा करना, माफ़ी मांगना मुस्तलज़िम नहीं है कि मासीयत हुई हो, ये सीखो। बहुत से लोग कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरी कोई भूल है ही नहीं तो फिर मैं माफ़ी क्यों मांगूं। उन्हें नबियों के इस्तग़फ़ार से सबक लेना चाहिए। अगर कोई भूल नहीं हुई है आप माफ़ी मांग रहे हैं, क़ुर्ब बढ़ जाएगा, तकर्रुब बढ़ जाएगा, कबूलियत में इजाफ़ा होगा और तवाज़ु इसमें ज़ाहिर होगी। और अल्लाह को तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल बंदे की तरफ से तवाज़ु है। तो एक वजह तो यह है तवाज़ुअन इन दोनों ने, इससे पता चला कि अंबिया जहाँ जहाँ इस्तग़फ़ार उनके बाब में वारिद हुआ वो तवाज़ुअन होता है। और दूसरी वजह है वो तालीमन लिज़ुर्रियतिहिमा, उनके ज़ुर्रियत को सिखाने के लिए कि जब हमसे कोई सबक़त मासीयत हुई नहीं है फिर भी हम तौबा करते हैं तो अब जिन लोगों से अगर मासीयत हो जाए तो उनको तो बदरजे अवला तौबा करनी चाहिए। फिर अब दुआ फरमा रहे हैं कि ये मकान तो हमने बना दिया, ये घर सदा आबाद रहे, उसमें चिरागे तौहीद हमेशा जलता रहे, इसलिए यहाँ एक रहबर बशक्ल रसूल पैदा फरमा इस ज़ुर्रियत में, ख़ास तौर पर वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मत मुस्लिमत अलग, जो रहबर इस घर के तकद्दस को सिखाए, इस घर की इबादत व आदाब को सिखाए, और जो रहबर तेरे ज़िक्र करने की तरफ उम्मत को मुतवज्जे करे, तेरी किताब व सुन्नत की उन्हें तालीम दे, उन्हें दानिशमंदी के सबक सिखाए और उनके अंदर जो कुछ गड़बड़ें भरी हुई हैं उन सारी आलूदगियों से इनको पाक करे। रब्बना वबअथ फीहिम फीहिम ऐ अहलिल बैत, ये घराने वालों में, इस घर वालों में यानी मक्के वालों में, इस काबतुल्लाह के इर्द गिर्द जो लोग बसते हों, ज़ुर्रियत जो मैंने मांगी उम्मत, उसके अंदर तू एक रसूल मबऊस फरमा। मबऊस के लफ्ज़ में ख़ास तौर पर तख़सीस की तरफ इशारा है, अहमियत की तरफ इशारा है। पैदा फरमा की दुआ करने के बजाय इरशाद फरमाया इबअथ फ़ीहिम, तेरी तरफ़ से तशरीफ़न व तकरीमन व तज़ीमन उस रसूल को सिर्फ पैदा ही नहीं बल्कि मबऊस फरमा, इरसाल फरमा। रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से हो, मिन अनफुसिहिम, ताकि उसका इस्तीनास हो, उससे उनसियत हो और फिर उससे इस्तिफादे की राहें आसान और असहल हो जाएं। वक़द अजाब अल्लाह ताला दुआहू बी मोहम्मद ऐ बी बासती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की शक्ल में इब्राहिम की दुआ को कबूल फरमाया। इसलिए कि इस ज़ुर्रियत में मोहम्मद के सिवा कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए मुसनद अहमद में एक रिवायत आई मरफूअन है, हुज़ूर इसको कबूल फरमा रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं अन दावत अबी इब्राहिम, एतराफ़ फरमा कि मैं मेरे वालिद इब्राहिम की दुआओं का समारा हूँ। तो अल्लाह ने हुज़ूर की बेअसत के ज़रिए दुआ कबूल फरमा ली। कैसा रसूल भेजना, यतलु अलैहिम आयाति का, जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाएं,
ये तरक्की मिनल अदना इलल आला हो रही है बकौल बाज़ मुफस्सिरीन के, जो अल्फाज पढ़ पढ़ कर सिखाए आयाती का अल कुरान, पता चला तिलावत मुस्तकिल एक अमल है, मुस्तकिल तालीम का शोबा है। तिलावत का ताल्लुक अल्फाज से है, मानी का तालीम से है। तो तिलावत का ताल्लुक अल्फाज से, मानी का तालीम से, इसलिए यानी तालीम मानी की होती है और तिलावत अल्फाज की, इसलिए दोनों को अलग अलग करके जिक्र किया और बतलाया दोनों मुस्तकिल मकसूद हैं। आजकल एक हैजा लगा हुआ है कुछ लोगों को कि जो तिलावत को मकसूद नहीं समझते और उसको लगव उसको अबस ठहराते हैं। हमने नूरुल अनवार ही में पढ़ लिया अल कुरान हुआ अन्नज़्मु वल मअना जमीअन, इसीलिए सिर्फ तर्जमे को कुरान कह के बताओ, अगर अल्फाज मकसूद नहीं हैं और सिर्फ तिलावत मकसूद नहीं है तो तर्जमे को कुरान कह के बताओ, कोई नहीं कहता है। तिलावत भी मुस्तकिल इबादत है, अल मुतअब्बदु बि तिलावतिही उत्लु मा उहिय इलैक मिनल किताब व अकिमिस सलाह और रत्तिलिल कुरान तरतीला। तो तिलावत हो, तरतील हो, किराअत हो, ये सिर्फ अल्फाज की होती है, मानी की नहीं। तो यतलू और युअल्लिमुहुमुल किताब दोनों को अलग अलग करके बतलाने में इस तरफ इशारा है कि तिलावत भी मकसूद है, मुस्तकिल इबादत है। इसीलिए मन क़रअ हरफ़ मिन आयतिल्लाह आया और फ़क़्रअ मा तयस्सरा मिन्हु आया, नमाज में तिलावत ही तो की जाती है, वहाँ कहाँ तफसीर और मानी के साथ कुरान करीम को पढ़ा जाता है। असल में ये ताअब्बुद है और शान अब्दियत का कमाल ताअब्बुद ही में है। तो ऐसा रसूल भेज जो उनके सामने तेरी आयतों को पढ़कर सुनाए, तला का सिला जब आला आए तो पढ़कर सुनाना ये माना होता है, और उनको किताब सिखाए भाई अल कुरान वल हिकमत और हिकमत की बातें सिखाए। हिकमत एक जामे लफ्ज़ है बकौल मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के, उसका तर्जमा उर्दू में नहीं किया जा सकता, उसमें कई एक चीज़ें आती हैं। हम यहाँ तर्जमा इतना कर लेंगे माफी ही मिनल अहकाम, यानी वो अहकाम जो किताबुल्लाह के अंदर पाए जाते हैं वो अहकाम की तालीम दे, किताब की तालीम दे और अहकाम की तालीम दे। बाज़ लोगों ने फरमाया अलहिकमत से मुराद है सुन्नत, इमाम मुजाहिद फरमाते हैं अलहिकमत ऐ फहमल कुरान, बाज़ उलमा ने फरमाया अलफ़िक्हु फिद्दीन, बाज़ लोग लिखते हैं कुल्लु सवाब मिनल कौली वल फ़िअली युसम्मा हिकमतन, और बाज़ हज़रात फरमाते हैं हिकमत का ताल्लुक अमल से है, वज़ अश्शैई मौदिअहू, ये हिकमत दानिशमंदी, ये सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल फरमा सकते हैं। बहुत बड़ी नेमत खुदावंदी है, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़कद ऊती खैरन कसीरा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमती। तो तू ऐसा रसूल भेज जो उनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, उन्हें किताब व सुन्नत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम और उनके दिलों का तस्किया करे, युतहिरुहुम मिनश्शिर्क, इसलिए कि दिल जब मुज़क्का होंगे तो उसमें कुछ भरा जाएगा और भरी हुई चीज़ अपनी तासीर बताएगा। यहाँ युज़क्कीहिम को मुअख्खर किया है इमाम राज़ी ने, अल्लामा आलूसी वगैरह ने एक बड़े अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया, इब्राहिम की दुआ में युज़क्कीहिम को मुअख्खर जिक्र किया गया, लेकिन अल्लाह ने जब उस दुआ की कबूलियत का ऐलान किया दूसरे पारे में कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम फिर व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, पता चला तालीम किताब व हिकमत से पहले तस्किया होना चाहिए। तिलावत ये तो बचपन में होती है, तिलावत का ताल्लुक तो बचपन में यानी बचपन में सीखी जाती है, तिलावत का ताल्लुक तो अल्फाज से होता है, लेकिन तालीम ये अहकाम शराइअ और उसमें मौजूद बसीरत की बातें ये दिलों में डाली जाती है। लिहाजा दिलों का पाक करना, साफ करना पहले ज़रूरी है, इसलिए तज़किया तालीम पर मुकद्दम है। हज़रत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इसीलिए हुज़ूर का तज़किया
पहले किया गया गारे हिरा की खलवतों में और फिर आपको तालीम किताब से मुत्तशिफ और मुशर्रफ फरमाया गया। इन्नका अंतल अजीज, बेशक तो गालिब है, अल हकीम फी सुनई, जिसके हर काम में हिकमत के राज होते हैं जिस तक हमारी रसाई नहीं होती। तो इससे समझ में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां अपनी औलाद के लिए नफ़े दुनियावी की दुआ की थी, वर्ज़ुक अहलहू मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर, वहां अपनी औलाद के लिए दीनी नफ़े की भी दुआ की कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, हमारी औलाद में एक रसूल भेज जिनकी ये सिफत हो कि उन लोगों को आपके अहकाम सुनाएं, और ये शान हो कि उनको किताब व हिकमत की तालीम करें, उनका तस्किया करें रज़ाइल से। बेशक आप कादिर हैं, हकीम हैं, हिकमत के मुआफिक काम करते हैं, और ऐसा करना मसलहत है तो आप उसको ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इस आयत के तर्जमे से ये भी पता चला है कि रसूल की तीन सिफतें इस आयत में बयान की गई, और रसूल से मुराद हमारे आका हैं, दाई हज़रत इब्राहीम व इस्माईल हैं। ज़रूरी है कि ये रसूल इन दोनों हजरात की औलाद में होना चाहिए, और हरचंद के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हुजूर के अलावा भी मुतअद्दद अंबिया हुए, मगर वो बसिलसिला हज़रत इसहाक के हुए, हज़रत इस्माईल के सिलसिले में हुजूर ही हैं, लिहाजा आप ही मुराद हुए। दुआ के दरमियान बेअसत रसूल की दुआ करना एक बड़ी रहमत कामिला का मांगना है, वरना ये भी मुमकिन था कि यूँ कहते उनको पाक कर दो, उनको किताब दे दो, आप ही दे दो, लेकिन रसूल के तवस्सुत से ये सब करने की दुआ की गई। तालीम बवास्ते वही उस तालीम से अफजल है जो कि बिला वास्ते वही के बजरिए इल्हाम के हो। और इससे ये भी समझ में आया कि सुनने वालों समझ जाओ कि ज़रूरी चीज़ें ये हैं जिनका एहतमाम हज़रत इब्राहीम ने किया और समझ कर हमसे दुआ की। वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं मुफस्सलन? तो तीन चीज़ें हैं, यतलू, युअल्लिमु और युज़क्की, और मुजमलन एक चीज़ है जिसको दीन कहते हैं। ये सब के सब दीन ही के शोबे हैं, तिलावत, तालीम और तस्किया। दीन मुरक्तब है दो चीज़ों से, इल्म और अमल। जैसे फ़न तिब के उसमें पहले इल्म की ज़रूरत होती है फिर अमल की, क़ुरान ये रूहानी मतब है, उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक इल्म और दूसरा अमल। युज़क्की में अमल की तरफ इशारा है, युअल्लिमु में इल्म की तरफ इशारा है। पता चला सुनने वालों एहतमाम के काबिल दो चीज़ें हैं समझो, इल्म और अमल। इन्हीं का एहतमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये भी इस आयत से पता चलता है कि नबी की जिम्मेदारियों में, नबी के वजूह बेअसत में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लिहाजा किसी एक शोबे को नबियों वाला काम कहकर मुख्तसो महदूद कर लेना इस आयत से जहालत का सबूत पेश करना है। अल्लाह ताला बसीरत व बसारत दोनों से मुशर्रफ़ फरमाए।